विद्युत विभाग के लाचार केबल व्यवस्था ने ले ली मासूम बकरी के बच्चे एवं भैंस के बछड़े की जान, गरीब का टपरा भी जलकर हुआ खाक। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के नगर पठारी नगर के तलैया मोहल्ला स्थित विद्युत केबल में शॉर्ट सर्किट हो जाने से कल्लू खान का टपरा जलकर खाक हो गया। इसमें मौजूद बकरी के बच्चे और भैंस के बच्चे की जलकर मौत हो गई, वहीं मौजूद भैंस भी आग में झुलस गई। आग को देख लोगों ने समय रहते आग पर काबू पाया। नगर की अनेक केबल जर्जर हालात में लटकी नजर आती हैं, जो हादसों को न्योता दे रही हैं। बस स्टैंड से मेन मार्केट, ईदगाह मोहल्ला के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो आए दिन बिजली खंभों में आग लग जाना आम बात हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही तहसीलदार रमेश कुमार मेहरा मौका स्थल का जायजा लेने पहुंचे। वहीं पीड़ित नाजनीन ने बताया कि उनका काफी नुकसान हो गया है और विद्युत विभाग को इसकी सूचना पहले भी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन विभाग की तरफ से केबल को बदला नहीं जा रहा है। इससे पहले विभाग कहीं केबल बदल देता तो यह हादसा नहीं होता। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। आग कैसे लगी? केबल के टूटने से आग लगी है घर में, जिसमें बकरा बकरी जल गए, कुछ मुर्गा मुर्गी भैंस वगैरह सामान भी जल चुका है। जब देखा, बताया इंसानों ने कि आपके घर में आग लग गई, अब जाके हम लोगों ने देखा केबल के टूटने से। क्या क्या नुकसान हुआ है? बकरी जल गई है, दो बच्चे जल गए, एक मुर्गा है, भैंस है, और घर का थोड़ा बहुत सामान है, बच्चे और बुझाने में थोड़ी महिलाओं के हाथ भी जल गए। घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था, बाकी मैं फ़ोन लगाया जब जाके हमारे देवर आए, पर उन्होंने आके बुझवाई आग। बिजली विभाग को पहले सूचना दी थी कि ये इसमें केबल की मिस्टेक है? बहुत दिन से पता है जो केबल टूटने का, बस लेते हैं भाई कि भाई थोड़ा सा जोड़ के चले जाते हैं, फिर टूट जाती है, फिर फोन लगा देते हैं, फिर आ जाते हैं, मगर कभी केबल